सबसे पहला सवाल 201 नंबर, पूर्व न्याय का सिद्धांत, तो इसका सही उत्तर होगा वाद एवं निष्पादन कार्रवाई दोनों पर लागू होता। अगला सवाल 202 नंबर, सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित कौन से आदेश में निर्णय और डिक्री के बारे में दिया गया, तो इसका सही उत्तर होगा आदेश 20 के अंतर्गत। अगला सवाल 203 नंबर, निर्णय लेने के बाद डिग्री तैयार करने के लिए न्यायालय को अधिकतम कितना समय सिविल प्रक्रिया संहिता में दिया गया, तो इसका सही उत्तर होगा 15 दिन। इसके बाद अगला सवाल 204 नंबर, दंपत अधिकारों के प्रस्थापन के लिए डिग्री पारित की गई है तो निर्णय जानबूझकर पालन करने में असफल रहता है तो उसका पालन किस तरह करवाया जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी सिविल कारागार में निरुद्ध द्वारा भी नहीं करवाया जा सकता, संपत्ति की कुर्की द्वारा भी नहीं करवाया जा सकता और उपयुक्त दोनों तरीके से भी नहीं करवाया जा सकता। अगला सवाल 205, निम्नांकित में से किस रीट के मामले में प्राण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है, इसका सही उत्तर होगा बंदी प्रत्यक्षकरण। अगला सवाल 206 नंबर, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा व्यक्ति निष्पादन के लिए आवेदन नहीं कर सकता, तो इसका सही उत्तर होगा निर्णित ऋणी। अगला सवाल 207 नंबर, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन एक गार्निशी आदेश दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा निर्णित ऋणी के ऋणी। इसके बाद अगला सवाल 208 नंबर, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापन के लिए विनिर्दिष्ट पालन या व्यादेश के लिए डिग्री के निष्पादन के प्रावधान है, तो इसका सही उत्तर होगा आदेश 21 नियम 32 में। अगला सवाल 209 नंबर, आणविक पूर्व न्याय का नियम, तो इसका सही उत्तर होगा सिविल प्रक्रिया संहिता में अभिव्यक्त है। इसके बाद अगला सवाल 210 नंबर, स्थावर संपत्ति के हर विक्रय पर क्रेता द्वारा क्रय धन में कितनी प्रतिशत राशि का निक्षेप किया जाएगा, इसका सही उत्तर होगा 25%। अगला सवाल 211 नंबर, क्रय धन क्रेता द्वारा कितने समय के अंदर न्यायालय में जमा किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा 15 दिन। अगला सवाल 212 नंबर, वादी या प्रतिवादी की मृत्यु के कारण वाद का उपरामन नहीं होगा, यदि तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, सबसे पहले अनुतोष बचा रहता है, दूसरा है वाद लाने का अधिकार बचा रहता है और तीसरा है वाद हेतु बचा रहता है। अगला सवाल 213 नंबर, सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 23 निम्न से किस पर लागू होता है, इसका सही उत्तर होगा वाद का वापस लें। इसके बाद अगला सवाल 214, पूर्व न्याय का सिद्धांत, तो इसका सही उत्तर होगा अज्ञापक। अगला सवाल 215, वाद के पक्षकार वाद में समझौता कर सकते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा सीपीसी के आदेश 23 नियम 3 के अंतर्गत। अगला सवाल 216, वाद के प्रत्यारण का अधिकार है, तो इसका सही उत्तर होगा ब एवं स दो। अगला सवाल 217, यदि कोई समझौता जिस पर डिग्री आधारित है विधिपूर्ण नहीं था तब, तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा डिग्री को अपास्त करने के लिए वाद नहीं लाया जा सकेगा। इसके बाद अगला सवाल 218 नंबर, खर्चों के लिए प्रतिभूति के संबंध में प्रावधान संहिता के किस आदेश के तहत किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा आदेश 25। अगला सवाल 219, प्रन्याय के सिद्धांत की व्याख्या उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्नलिखित वाद में की गई है, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नवाब हुसैन। अगला सवाल 220, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन निम्न आदेशों में कौन सा आदेश कमीशन जारी करने से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा आदेश 26। अगला सवाल 221, निम्नलिखित में से परिस्थितियों में आदेश 26 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कमीशन जारी नहीं किया जा सकता, तो इसका सही उत्तर होगा रिसीवर की नियुक्ति के लिए। अगला सवाल 222, सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद के बारे में संहिता के किस आदेश में प्रावधान किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा आदेश 27 में। अगला सवाल 223, सरकार और सरकारी प्लीडर की परिभाषा संहिता के किस आदेश में दी गई है, इसका सही उत्तर होगा आदेश 27 में। अगला सवाल 224, अनभिवचनीय वाद को संसिद्ध किए जाने संबंधी प्रावधान किस धारा में उपबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 88। इसके बाद अगला सवाल 225, सैनिक नौसैनिक या वायु सैनिकों के विरुद्ध वाद किस आदेश के तहत लाया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा आदेश 28। इसके बाद अगला सवाल 226, सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 29 संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा निगमों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद से। अगला सवाल 227, फर्मों के नाम से कारोबार चलाने वाले व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद किस आदेश के तहत लाया जा सकता है, इसका सही उत्तर होगा आदेश 30। अगला सवाल 228, न्यासियों निष्पादकों और प्रशासकों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद किस नियम के तहत लाया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा आदेश 31 नियम 1 के अनुसार। अगला सवाल 229, सह प्रतिवादी गणों के मन प्राण्याय के नियम को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शर्त का पालन होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिवादी गणों के बीच उठे प्रश्न का निर्णय अंतिम रूप से हो गया। अगला सवाल 230 नंबर, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रयुक्त शब्दावली पदार्थ संरक्षक से अभिप्रेत है, तो इसका सही उत्तर होगा एक व्यक्ति जो आवश्यक की तरफ से वाद की प्रतिरक्षा करता है।
इसके डगलस वाला 231 आवश्यक पक्षकार के वाद में कार्रवाई को रोका नहीं जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा आवश्यक वादी के आवश्यक हो जाने पर। अगला सवाल 232 किचन व्यक्तियों के वाद के उपबंध सिविल प्रक्रिया संहिता में कहां दिए गए, तो इसका सही उत्तर होगा आदेश 33। अगला सवाल 233 पूर्व न्याय के सिद्धांत को लागू होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा पूर्ववर्तीवाद किसी न्यायालय के सक्षम विचारधीन हो। अगला सवाल 234 निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद के समय में प्रावधान किस आदेश में है, तो इसका सही उत्तर होगा आदेश 33 CPC। अगला सवाल 235 किस प्रावधान के अंतर्गत किचन वास प्रस्तुत कर सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा आदेश 33 नियम 1। अगला सवाल 236 शिल्प प्रक्रिया संहिता के किस आदेश में स्थावर संपत्ति के बंधकों के संबंध में वाद के बारे में उपबंध किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा आदेश 34। अगला सवाल 237 अधिकारिकता विहीन न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी सही है। सबसे पहला है पश्चातवर्ती वाद में चुनौती योग्य है, दूसरा शून्य और तीसरा वह कभी भी पूर्व न्याय के रूप में परिवर्तित नहीं हो। अगला सवाल 238 अंतर्विवादी वाद के अंदर वास्तविक विवाद मध्य में होता है, तो इसका सही उत्तर होगा केवल प्रतिवादी। अगला सवाल 239 विशेष मामला सिविल प्रक्रिया संहिता में कहां उपबंधित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा आदेश 35। अगला सवाल 240 सिविल प्रक्रिया संहिता में अंतराभिमुख अंतरराज्यीय सीमा विवाद से संबंधित निम्नलिखित में से किस आदेश में है, तो इसका सही उत्तर होगा आदेश 35 में। अगला सवाल 241 नंबर CPC के आदेश 37 के अंतर्गत कोई वाद दाखिल किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी में। सबसे पहला है नगर निगम सिविल न्यायालय में, दूसरा है उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट में और तीसरा है लघु वाद न्यायालय में। अगला सवाल 242 नंबर किसी क्षतिपूर्ति के वाद में मर्यादा अधिनियम में मर्यादा की गणना होती है, तो इसका सही उत्तर होगा जब क्षति हो जाए। अगला सवाल 243 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार दीवानी प्रकृति का है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। सबसे पहला मंदिर में पूजा करने का अधिकार, दूसरा मंदिर के चढ़ाव में हिस्सा लेने का अधिकार और तीसरा जुलूस निकालने का अधिकार। अगला सवाल 244 कोई भी न्यायालय किन्हीं शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत उच्च न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा, तो इसका सही उत्तर धारा 113। अगला सवाल 245 स्थावर संपत्ति के बंटवारे के लिए वाद कहाँ संसित होगा, तो इसका सही उत्तर होगा जहाँ संबंधित वस्तु या संपत्ति स्थित है। अगला सवाल 246 नंबर भरण पोषण के लिए डिग्री के निष्पादन में किसी व्यक्ति का वेतन किस सीमा तक पूर्ण किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा 2/3। अगला सवाल 247 निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रकृति का वाद नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा जाति के सदस्य को जाति से निष्कासित करने पर उसके द्वारा प्रस्तुत वाद। अगला सवाल 248 मर्यादा अधिनियम में वैध निर्योक्ताओं से तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी। सबसे पहला अल्प वयस्कता, दूसरा पागलपन और तीसरा मूर्ता या जड़। अगला सवाल 249 निम्नलिखित में से कौन दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित वाद। अगला सवाल 250 निम्नलिखित में से कौन सा दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा स्वैच्छिक भुगतान अथवा चढ़ावे की वसूली के लिए वाद। अगला सवाल 251 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 के साथ संबंधित है, तो इसका सही उत्तर आर्थिक और क्षेत्रीय अधिकार 6। अगला सवाल 252 जहाँ डिग्री 5,000 रुपए से अधिक के भुगतान के लिए वहाँ सिविल कारागार में निरोध की अवधि है, तो इसका सही उत्तर होगा 3। अगला सवाल 253 निम्न से कौन सा वाद सिविल प्रकृति का नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा स्वैच्छिक भुगतान अथवा चढ़ावे की प्राप्ति हेतु वाद। अगला सवाल 254 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के प्रावधान किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा प्राण न्याय से। अगला सवाल 255 विभिन्न शहरों में स्थित संपत्तियों के विभाजन का वाद, तो इसका सही उत्तर होगा संसित किया जा सकता है जिस शहर में कोई भी संपत्ति स्थित। अगला सवाल 256 वाद लाने के स्थान के बारे में अक्षेप या आपत्ति को आपस्त करने के लिए वाद, तो इसका सही उत्तर होगा वाद का वर्जन। अगला सवाल 257 न्यायालय के वादी को वाद पर संशोधन की अनुमति प्रदान कर दी किंतु संशोधन के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया, वादी को संशोधन कितने समय में कर देना, तो इसका सही उत्तर होगा 14 दिन। अगला सवाल 258 निम्नलिखित में से कौन सा सिविल प्रकृति का वाद है, तो इसका सही उत्तर होगा लेखा के लिए वाद। अगला सवाल 259 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, तो इसका सही उत्तर विचारधीन वाद धारा 11। अगला सवाल 260 मुंबई में रहने वाला मोहन दिल्ली में सोहन से मारपीट करता है, सोहन मोहन के विरुद्ध वाद ला सकेगा, तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई अथवा दिल्ली में। अगला सवाल 261 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 के दिन किसी वाद की इसके समक्ष लंबित रहने के दौरान न्यायालय दूसरे वाद को, तो इसका सही उत्तर होगा ग्रहण तो कर सकता है पर उसके विचार की कार्रवाई नहीं कर। अगला सवाल 262 निम्न से कौन सा वाद पूर्व न्याय पर नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा छज्जू राम बनाम ने। अगला सवाल 263 शरीर के प्रति किए गए अपकार के लिए प्रतिकार के लिए वाद दायर किया जाएगा और जहाँ, तो इसका सही उत्तर होगा किसी भी उपयुक्त में वादी के विकल्प। अगला सवाल 264 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 लागू नहीं होती है,
इसका सही उत्तर होगा मध्यस्थम कार्रवाई। वर्ष 265 निम्नलिखित में से किस मामले में प्रारंभिक डिक्री पारित की जा सकती है? इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी मामलों में। सबसे पहला मध्यवर्ती लाभ के लिए बाद में, दूसरा भागीदार की संपत्ति के लिए बाद में, और तीसरा स्वामी और अभिकर्ता के बीच हिसाब के लिए बाद में। 266 न्यायाधीन विषय रेस सब जुडिस शब्दावली से अभिप्राय है, तो इसका सही उत्तर होगा वाद का रूप दिया। 267 न्यायालय फीस की कमी को पूरा करने की शक्ति दी गई, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 149 यानी सेक्शन 149। 268 शुल्क प्रक्रिया संहिता 1908 की निम्न कौन सी धारा प्रस्थापन का सिद्धांत सम्मिलित करती है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 144। 269 शुल्क प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा वाद के स्थगन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 16। 270 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 उस हालात में लागू नहीं होती है जबकि पूर्व, तो इसका सही उत्तर किसी विदेशी न्यायालय में लंबित। 271 निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति डिक्री में पूर्व और विक्रय की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर वचन पर। 272 निम्न से कौन सा सीपीसी की धारा 2(9) में परिभाषित निर्णय कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा एक आदेश या डिग्री के आधारों का कथन। 273 न्यायालयों को निर्णय डिग्री या आदेश में संशोधन की शक्ति किस धारा में दी है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 152। 274 डीम डिग्री से अभिप्रेत है, तो इसका सही उत्तर होगा न्यायालय का अंतिम आदेश। 275 आज्ञा पत्र निम्नांकित में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही उत्तर डिग्री पास करने वाले न्यायालय द्वारा। 277 निम्नलिखित में से कौन सा वाद स्थावर संपत्ति संबंधी वाद नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा स्थावर संपत्ति से संबंधित भाटक का वाद। 278 शुल्क प्रक्रिया संहिता निम्न धाराओं में से कौन सी दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 6। 279 धारा 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा विचारधीन मामला। 280 शुल्क प्रक्रिया संहिता की किस धारा में प्राण न्याय का सिद्धांत संबंधित उपबंध दिया गया? इसका सही उत्तर होगा धारा 11। 281 सीपीसी 1908 की धारा 217 के अर्थ के भीतर निम्न में से कौन लोक अफिसर है? तो इसका सही उत्तर होगा न्यायाधीश। 282 धारा 3 सीपीसी के अंतर्गत लघुवाद न्यायालय निम्नलिखित में से किसके अधीनस्थ? इसका सही उत्तर होगा अ एवं व दोनों। 283 में से कौन दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है? तो इसका सही उत्तर राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित वाद। 284 में से कौन सा शिल्प प्रकृति का वाद है? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। सबसे पहले किराए के लिए वाद, दूसरा दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापन के लिए बात, और तीसरा वेतन की बकाया राशि के लिए बात। 285 श्याम जो मथुरा का निवासी है राम को आगरा में पीटता है, राम के विरुद्ध वाद संसिद्ध किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा मथुरा या आगरा दोनों। 286 सीपीसी किस धारा के तहत साम्य न्याय और अच्छे विवेक के सिद्धांत विहित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 151। 287 निम्न से कौन सी दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा जाति के निष्कासन के विरुद्ध वाद। 288 धारा 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा विचारधीन मामला। 289 प्राण न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सूत्र पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा इंटरेस्ट रिपब्लिका अट सिट फिनिश लिटिया। 290 पूर्व न्याय का सिद्धांत, तो इसका सही उत्तर होगा वाद और निष्पादन कार्रवाई दोनों पर लागू होता है। अगला सवाल 291 सीपीसी की धारा 11 की किस स्पष्टीकरण में आंतरिक प्राण न्याय की व्याख्या की गई? तो इसका सही उत्तर होगा स्पष्टीकरण 4। अगला सवाल 292 सीपीसी 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा विचारधीन विवाद धारा 11। अगला सवाल 293 आणविक प्राण न्याय के सिद्धांत की व्याख्या उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्नलिखित वाद में की गई? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश बनाम नवाब हुसैन। 294 प्राण न्याय का सिद्धांत निम्न से किस रीट के मामले में लागू नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बंदी प्रत्यक्षकरण। 295 सीपीसी धारा 15 के सभी वाद कहां दायर किए जाए? तो इसका सही उत्तर होगा निम्नतम श्रेणी के न्यायालय। 296 वाद संसद करने की आपत्ति प्रथम वार के न्यायालय में स्वीकृति होगी या सीपीसी की किस धारा में दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा सीपीसी की धारा 21 में। 297 धारा 26(2) के अंतर्गत प्रत्येक दावे में तथ्यों को शामिल किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा शपथ पर। 297 दीवानी प्रक्रिया संहिता के कौन से प्रावधान में एक उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट किसी वाद को स्थानांतरित कर सकता है? इसका सही उत्तर होगा धारा 25 शील प्रक्रिया सहित। 299 सीपीसी की निम्न से किस धारा में वादों को संसद करने का उपबंध? इसका सही उत्तर होगा धारा 26। 300 ऐसी किसी टिकरी के विरुद्ध द्वितीय अपील पेश नहीं की जा सकती जहां पर मूल वाद में धन की वसूली की राशि निम्न राशि से अधिक नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा 25,000।